बुलडोजर का आपने जिक्र किया, बाबा का बुलडोजर तमाम अपराधियों के घरों पे चला, उनका जो एक तरीके से इतिहास था उसको खोला गया कि क्या क्या किया और बुलडोजर चला। लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय घबराया हुआ है, उसको कह रहा है, वो कह रहा है कि बुलडोजर तो आप मदरसे की तरफ घुमा दिए हैं, वक्फ की जो ज़मीनें उधर घुमा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले एक रास्ता दिखाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा 2014 में है, प्रधानमंत्री बनते ही कह दिया था कि सबका साथ सबका विकास। फिर 19 में जब बहुमत मिला तो कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर लाल किले की प्राचीर से कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो वो तो सबको लेके चलना चाहते हैं। दूसरी बात है मदरसों की, यहाँ कई शिक्षा शास्त्री लोग बैठे हैं, कई विद्यालयों के प्रबंधक लोग बैठे हैं, प्राचार्य लोग बैठे हैं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैठे हैं। विश्वविद्यालय भी खुलेगा तो नॉर्म्स के अनुसार खुलेगा। डिग्री कॉलेज को मान्यता मिलेगी तो कितने बाई कितने का कमरा होना चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए आदि आदि। तो मदरसों पे भी वही कानून लागू होंगे। नहीं सर, विपक्ष तो यही तो कह रहा है ना, विपक्ष का मदरसों पे आप मठों की तरफ नहीं देख रहे हैं, विपक्ष नहीं आप बाकी मंदिरों की तरफ नहीं देख रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष ये नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति ने ही तो देश की एकता और अखंडता को खराब करने का प्रयास किया है। तो इसमें तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हो रही है। मैं मदरसे वालों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सांच को आँच किया, अगर आप शिक्षा विभाग के नॉर्म्स के अनुसार मदरसा खुला है, इतने बाई इतने का हॉल होना चाहिए वो है, प्लेग्राउंड है, साइंस है तो लेबोरेटरी है, मानक के अनुसार शिक्षक हैं, मानक के अनुसार छात्रों के अनुसार वजीफा है, वजीफा DBT में उनके खाते में अगर जा रहा है तो परेशानी क्या है? अगर कोई जांच हो रही है, जांच से कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे कहा गया है, मैं तो बल्कि कहूँगा सांच आँच जाँच, सांच को आँच नहीं तो फिर जाँच की चिंता नहीं करो। मदरसे वालों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, दीनी तालीम देते हैं, बच्चे रटते हैं, आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके दिन भर हम देखते हैं उनको रटते हैं। ये भाषा पढ़ेंगे तो, दीनी तालीम पढ़ेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, हो सकता है कि इससे पेश इमाम बन जाएं। लेकिन इन्हीं मदरसों में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब्दुल कलाम बनेंगे, और जब अब्दुल कलाम बनेंगे तो फिर हिंदू और मुस्लिम के आईने से चश्मे से कोई नहीं देखता है। जिस दिन अब्दुल कलाम साहब की देहावसान हुआ था, मैं आगरा से केवल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया था, जबकि मृतक व्यक्ति शायद नहीं देखता है कौन आया कौन नहीं आया। दूसरा, उस दिन मैं देख रहा था कि ऊंचे पजामे वाले और टोपी वालों की संख्या दाढ़ी वालों की कम थी, लेकिन दिल्ली के बच्चे अपनी जेब के खर्चे में से 10 रुपये का एक गुलाब लेकर के अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। मैं महसूस करता हूं कि मोदी जी से पहले किसी भी नेता का फोटो बच्चों के स्टडी रूम में नहीं लगता था। अगर बच्चों के स्टडी रूम में किसी का फोटो लगा है तो वो अब्दुल कलाम साहब का लगा है, वो उर्दू अरबी फारसी से नहीं लड़ा है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री से लगा है। मौलाना मदनी हैं, HT हसन हैं, आपके साथ आपसे मिलते होंगे, बहुत दर्द में हैं ये लोग। ये लगातार जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करके मदरसे को ख़ास तौर से हम तालीम देना चाहते हैं, हम देंगे, उसमें आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम इसलिए उसमें सब कुछ होते हैं, हम नहीं, सरकार, जो शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार के कुछ योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, DBT लागू होगा, वजीफे में घपलेबाजी नहीं करना चाहिए, मिड डे मील में घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे नहीं होगा कि 8x10 का कमरा बना लिया और आप मान्यता ले लें, मोबोक्रेसी से नहीं अब देश चलेगा।